Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello, Vishal. Welcome to eTimes TV. How are you? I'm very good and I love you. And tell me, बार बार आप अपने फादर को याद कर रहे थे घर के अंदर, तो सबसे पहली क्या चीज की आपने घर से बाहर आने के बाद? घर से बाहर आने के बाद मैं घर गया और मेरे डैड ने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि 4 साल के बाद दाढ़ी के बगैर देखा। अभी तो थोड़ी थोड़ी आ गई है, उस वक्त एकदम ऐसा चिकना लग रहा था, तो मेरे डैड ने सोचा चिकना लौंडा कौन आ गया मेरे घर। बट फिर मैंने उन्हें गले लगाया और बहुत खुश हुए, वो आंखों में आंसू आ गए। और मैंने आज बिग बॉस से क्या होता है ना, हम जब जिंदगी में यूजुअली इंडिया में पता नहीं क्यों हम अपने डैड के गले कभी नहीं लगते। लड़के ना मॉम के गले लगते हैं, डैड के गले नहीं लगते, ये क्यों है पता नहीं, पर ऐसा है। तो पर मैंने डिसाइड किया है कि अब हर दिन मैं अपने डैड के गले लगूंगा, क्योंकि अब मुझे उनकी अहमियत तो पहले भी पता थी, पर अब वो प्यार और हग वाला फील आ रहा है, तो हर दिन मैं उनके गले लगूंगा। बहुत अनफॉर्चुनेट रहा विशाल, क्योंकि उस टास्क में अगर 3 लोगों ने शिद्दत से परफॉर्म किया था तो वो थे राजीव, उमर और आप, और सबने वो एफर्ट्स देखे थे। आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा? थोड़ा सा नहीं, आई मीन आप जितना कुछ दे रहे थे शो के लिए, आपको लगा होगा डिसअपॉइंटिंग कि इस तरीके से बाहर आ जाते? और पहली बात तो उस टास्क में क्लियरली लिखा गया था कि आप किसी को छू नहीं सकते, आप लिक्विड्स फोम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये मैंने फॉलो किया, राजीव पूरे टाइम लोगों को छू रहे थे, इनफैक्ट तेजा के कान के अंदर इंजरी हुई थी उनके वजह से, क्योंकि और दूसरी बात इवन उमर ने फोम का इस्तेमाल किया और वो लिक्विड, और बिग बॉस ने उन्हें अनाउंस किया कि वो अपना माइक चेंज करे क्योंकि माइक के अंदर फोम चला गया था। अगर ऐसे ही अगर इन्होंने ये रूल्स अगर नहीं लिखे होते तो मेरे लिए बहुत सिंपल था, मैं शमिता को उठाता और उसके साथ पूल में कूद जाता गोद में लेके। ये मेरे दिमाग में भी आया था, पर मैंने मुझे लगा कि यार तुम ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टच द पर्सन। और शमिता शेट्टी को उठाकर अगर कोई पूल में कूदने की हिम्मत कर सकता था वो सिर्फ विशाल कोटियन था, या तेजस्वी को उठाकर पूल में कूदने की हिम्मत कर सकता था सिर्फ विशाल कोटियन था, पर ये इन्होंने बोला था। और वैसे मैंने मुझे लगा कि मुझे सिर्फ अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया, जितना हो सकता है मुझसे मैंने किया। पर मुझे अनफेयर इसलिए लगा कि 8 वीक्स की जर्नी आप 2 घंटे में समाप्त नहीं कर सकते, 2 घंटे में अचानक आप भारती और हर्ष को लाकर ये नहीं बोल सकते कि चलो चलो 2 घंटे में आप किसी का रिएक्शन ले लो, और 2 घंटे में 8 वीक्स की जर्नी को नजरअंदाज करके तुम एलिमिनेट कर देते हो, बोल देते हो कि पूरे इंडिया ने आपको एलिमिनेट किया है। लाइव पर 4 से 5 लाख लोग जाते हैं, इंडिया की आबादी 140 करोड़ जनता की है, तो अगर मैं ये बोलूं कि 4 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया है, अब भारत का पंत प्रधान मैं हूँ, प्रधानमंत्री मैं हूँ, तो कोई मानेगा इस बात को? क्योंकि तो इंडिया का फैसला नहीं है, 4 लाख लोगों का फैसला है। और मुझे तो बाहर आने के बाद विजय ऐसा लगा कि मैं 2 अलग अलग देशों में रह रहा हूँ, क्योंकि एक साइड मुझे बोला जाता है कि आपकी देश की जनता ने आपको बाहर निकाला है, दूसरी तरफ 3 दिन ट्विटर पर मैं ट्रेंड कर रहा हूँ ब्रिंग बैक विशाल कोटियन। ये जनता कौन है और ये जनता कौन है भाई? 2 अलग अलग कंट्री की जनता है क्या? तो मुझे बात हजम ही नहीं हो रही है। और इस बार बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हुए हैं शो के अंदर। विशाल आप बहुत गेम खेल रहे थे, अच्छा मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे थे लोगों को, टू बी वेरी फ्रैंक आप कर रहे थे, बट वो आपका गेम खेलने का तरीका था। आपको लगा कि बहुत ज्यादा इस बार कंटेस्टेंट्स को बोला गया, उनकी गेम को एक्सपोज किया गया, जो पहले के सीजन्स में नहीं होता था, उनको खेलने दिया जाता था तब तक जब तक कोई बहुत लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती थी, बट इस बार 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 आपको आकर भी बाहर से बोला गया कि आप बहन की बिचिंग कर रहे हैं, आप किसी के सगे नहीं है, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। जय को बार बार आके बोला गया तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो एक तरह से पुश किया गया और ये एक डीमोटिवेटिंग सा रहा हर हफ्ते। आप क्या कहेंगे? मुझे बिग बॉस का एक सिंपल फॉर्मेट समझ में आता है, घर के अंदर कुछ लोग डाले जाते हैं, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि बिग बॉस की मेरी समझ ये है, घर के अंदर कुछ लोग डाले जाते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, झगड़ा करते हैं, टास्क ये करते हैं, घर के लोग किसी को नॉमिनेट करते हैं और जनता देखकर जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जो सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रहा है, उस हिसाब से जनता उसे बचाती है।
ये फॉर्मेट बिग बॉस का मुझे समझ में आता है। इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि पहले दो हफ्ते, मैंने पहले हफ्ते में ही बोल दिया था कि अगर जनता मुझे 15 के 15 हफ्ते बिग बॉस नॉमिनेट करे चलेगा, जनता मुझे बचाएगी। आहिस्ते आहिस्ते जो मैं गेम खेल रहा था वही आके लोग बता रहे हैं, मतलब पहले ही गेम को एक्सपोज किया जा रहा है, पहले ही बता दिया जा रहा है। अब जहां तक बिचिंग की बात है, मैंने किसी के पीछे कभी, आप कोई भी एपिसोड देख लीजिए और अगर मुझे बता दोगे मैंने किसी के बारे में बिचिंग की है तो मैं बिग बॉस के पैसे नहीं लूंगा। मैंने अपनी नीतियां बनाई है, मैंने प्लान किया है, मैंने लोगों को इधर से उधर किया है गेम के लिए। जैसे महाभारत है, अगर महाभारत में मैं आपसे कहूं कि श्री कृष्ण ने सबको धोखा दिया है, आप मानोगे? नहीं मानोगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तुम कर्ण को नहीं मार सकते, जब कर्ण रथ से नीचे उतरे बाण चला देना। क्या वो धोखा है या नीति है? तुम भीष्म को कभी नहीं मार सकते अर्जुन, भीष्म शिखंडी सामने आते ही बाण नीचे रख देंगे, शिखंडी को सामने ले आओ और उन पर बाण चलाना, ये धोखा है या नीति है? तो मैं ये गेम नीतियों से खेला हूं, श्री कृष्ण के महाभारत से जो सीख मिली है वैसे खेला हूं। मैं खुद बोलता हूं कि मैंने मैनिपुलेट किया है, क्योंकि मैं कंचे खेलने के लिए अंदर नहीं गया था, मैं गेम खेलने के लिए अंदर गया था। इसलिए विशाल कोटन अकेला इंसान है जो जंगल से घर सबसे पहले गया, घर से वीआईपी रूम सबसे पहले गया, वीआईपी रूम में अंत तक टिका रहा जब तक प्रेस ने आकर उसे बाहर नहीं कर दिया। और उससे ज्यादा मैं क्या कहूं, अगर मैं इतना वीक प्लेयर होता तो इतनी आगे इतनी जल्दी नहीं जाता। बिल्कुल शमिता, और आपके जिस तरीके से आपने बोला कि यू नो अगर मैं स्विमिंग पूल में कूद सकता था तो शमिता के को लेकर मैं कर सकता था, वो आपका वो बॉन्डिंग था उनके साथ। अभी भी अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा, मुझे नहीं पता कि काफी लोग काफी लोग उनके ऊपर इसी बात को लेकर टूट पड़े कि बार बार आपको बाहर की दुनिया से बोला जा रहा था आके, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी, आपने बार बार उसी इंसान को ट्रस्ट किया। कट टू आपके बाहर आने के बाद, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज के स्टेटमेंट्स आपके देखे जहां पर आप ये फील करते हैं कहीं ना कहीं कि अगर आप शमिता के साथ वो अपना बॉन्डिंग बनाने के आगे कोशिश नहीं करते, बार बार जस्टिफिकेशन नहीं देते, तो शायद आपका फ्यूचर कुछ और होता गेम में। क्या ना, ये बहुत नाराजगी है मेरी शमिता से। क्या भाई बहन का रिश्ता मैं अब भी बोलता हूँ? वो तो देखिए, पहले राजीव ने आकर बोला कि कुछ प्रॉब्लम है, उसके साथ मत रहे। शमिता और मेरे को नहीं फर्क पड़ा। उसके बाद नेहा ने आके बोला नहीं फर्क पड़ा, राकेश ने आके बोला नहीं फर्क पड़ा, मीडिया ने आके बोला नहीं फर्क पड़ा, भगवान भी आके बोलेंगे तो फर्क पड़े, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता है ना, बंधता तो है राखी के कच्चे डोर से, लेकिन वो जंजीर से ज्यादा मजबूत होता है। और मेरे शमिता के बीच में ये रिश्ता है। पता नहीं उसने कल का एपिसोड मैंने देखा नहीं है, पर मैं श्योर हूँ कि जो वाइल्ड कार्ड गए थे उनका टारगेट ही विशाल कोटन था। इस घर के अंदर और कोई टारगेट हो ही नहीं सकता, गेम विशाल कोटन ही खेल रहा था। भाई दिल खोल के बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, जो मेरे पीछे बात कर रहे थे वो इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वो मेरे पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। तो मुझे इस बात का बड़ा बड़ा दुख है कि मेरी वजह से अगर मेरी बहन टारगेट हो रही है, मुझे बहुत दुख है। थोड़े प्रोमोज में मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मुझे शमिता के बारे में मैंने कभी पीछे बिचिंग नहीं की है। क्या होता है ना, बिचिंग और डिस्कशन में फर्क होता है। मैंने हर किसी के पीछे उनके बारे में डिस्कशन किया, बिचिंग नहीं की है। मैं निशान भट्ट नहीं हूँ, विशाल कोटन। विशाल कोटन के पास दिमाग है, उसको बिचिंग की जरूरत नहीं है। वो अपने डिस्कशन से और बातों से ही लोगों को घुमा सकता है। इस घर में हर किसी ने कहा कि वी डोंट ट्रस्ट विशाल कोटियन, ये बात तो आम है, आपने भी सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबकी पहली चॉइस कौन थी? आप। तो दोगला कौन हुआ? लोग जो बिना ट्रस्ट बोलता है कि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यही चाहिए क्योंकि मेरी इससे फटती है भाई, यही बाहर रहेगा तो मेरी वाट लगा देगा। करण कुंद्रा को मैंने बोलते हुए सुना है कि विशाल कोटन को वीआईपी रूम में ले आते हैं, अगर वो बाहर रहेगा ना तो हम सब बाहर हो जाएंगे। भाई उसके पास दिमाग है भाई, अपने पास दिमाग वाला चाहिए। तो दोगला पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम जय को लाते हैं तो वो अपने उसूलों पे और वो हमारी बात नहीं मानेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। विशाल है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उसको हमारी जरूरत है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि विशाल को हम अपनी तरह से चला सकते हैं। मैंने वो एपिसोड देखा खास करके, उन्होंने ये कहा है कि यार विशाल सबको मैनिपुलेट करेगा और अगर वो बाहर रहा तो उनके अंदर आने के चांसेस ज्यादा है, अगर वही हमारी तरफ हो गया तो फिर उनके पास दिमाग ही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली ये कहा है उन्होंने। जय के बारे में जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है, जय को जय सिद्धांतों पर अड़ा रहेगा। लेकिन ये क्या ये गेम सिद्धांतों का है, क्या ये गेम प्रिंसिपल्स का है, या ये गेम मुझे ये 9 दिखता है सबको 9 दिखना चाहिए, क्या ये गेम उस तरह का है, या मुझे ये 9 दिखता है आपको 6 दिखता है, आप भी सही मैं भी सही साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, ये गेम किस तरह का है?
तो मैं ये गेम को, जैसे मैंने कहा बार बार कि मैं इस गेम को श्री कृष्ण की तरह खेल रहा था, नीतियां बना रहा था, किसी को धोखा नहीं दिया मैंने, लोगों ने जलकर, लोगों ने अपने अपने ईर्ष्या में मेरा नाम धोखेबाज रख दिया। लेकिन जब जब मैंने खड़े होकर पूछा कि क्या धोखा दिया है, प्रेस वाले जब आए थे, जय कूद कूद कर बोल रहा था, मैं बोल रहा तूने धोखा दिया, मैं बोल रहा तूने धोखा दिया है। जब पूछा गया एपिसोड में उसको, सबने मिलकर पूछा कि भाई इसने धोखा क्या दिया है तेरे को, तो उसने कहा कि मैं जब घर में आया था तो इसने कहा कि अब ता गए तेरे प्रिंसिपल, 25 लाख रुपए डुबा के आया, ये धोखा हुआ क्या? सवाल पूछना मतलब हुआ क्या था? आपका और जय का और तेजस्वी का पहले दिन से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, पर जब क्या हुआ ना, आप शमिता के साथ मिले तो आपने काफी बार यू नो, शायद वो आपके यू नो बिहेवियर का एक पैटर्न है, वो हिस्सा है कि आप डिस्कशन में काफी चीजें बोल जाते हैं, वो चुगलीबाजी शायद नहीं होगी आपके हिसाब से, पर क्या होता है ना, एज एन ऑडियंस अगर हम देखते हैं कि आप किसी के साथ 3-4 दिन उठ रहे हो बैठ रहे हो, आप जय वीरू बोल रहे हो और फिर आप शमिता को मिलते हो कट्टू, और फिर ईगो की बातें कि जय बहुत ईगोइस्टिक है, जब जय नहीं होते उनके एब्सेंस में आप अगर उनके लिए ये सब चीजें बोलते हैं और या कोई बोल रहा है और आप उसमें हाँ भर रहे हैं, तो क्या होता है ना, वो एज एन ऑडियंस हमें वो बिचिंग लगती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अरे आप दोनों तो दोस्त थे, आप दोनों तो भाई भाई थे, और जय ने कभी भी आपके बारे में, जब तक आप लोगों की लड़ाई नहीं हुई, जय ने आपके बारे में तब तक कभी कुछ नहीं कहा था आपके बारे में। एक बार आप दोनों की शायद नाराजगी हुई थी, वो लाइव फीड में मैंने देखा था, वो शो में भी नहीं गया था, जहां पर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि तू सब क्रेडिट खुद कैसे ले सकता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं तेरे को आके मुंह पे बोल रहा हूँ। ये गेम ही षड्यंत्रों का है, ये गेम ही प्लानिंग का है, वरना कंचे खेलने थोड़ी आए हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और जय ने भी मेरे बारे में विधि से बात की, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। इरादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बात होती है, एक इरादा होता है। डिस्कशन ओके, बिचिंग नॉट ओके। अगर मैं फोन ये वीडियो कॉल रखने के बाद मैं अगर अपने दोस्तों से बात करता और बोलता हूँ वो विजय लक्ष्मी ना बहुत तेज पत्रकार है, साला सॉलिड सवाल पूछती है, हमेशा कॉर्नर करने की कोशिश करती है, ये विजय लक्ष्मी के बारे में बिचिंग नहीं है। मैं वही कह रही थी, मैं आपको वही कह रही थी विशाल, कि वो डिस्कशन का आपका तरीका था, जैसे जब आपने तेजस्वी को भी एक बार यू नो शमिता के साथ बात करते हुए बोला कि वो मुझे फेक लगती है, उसका खुद का कुछ नहीं है, यू नो, तो वो डिस्कशन था आपका एज ए सिस्टर के साथ, वो भी आपसे कुछ बात कर रही थी वो, लेकिन क्या होता है कि आपकी तीनों की जोड़ी इतनी स्ट्रांग थी, तो एज अ व्यूअर जो हम पहली दफा आपको देख रहे थे, मैंने आपका काम देखा हुआ है, कुछ जनता ऐसी भी तो होगी जो पहली बार आपको रियल देख रही होगी, उन्होंने आपको जज करना शुरू कर दिया। मैं वो उस एंगल से बात कर रही हूँ, मैं अंदर जब था, मैं आपको सीधे बता दूं, आप मुझे जानती है विजय, मैं अंदर जब था तो मैं कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये, मैं आई वॉज रियल, आई वॉज बींग माई सेल्फ। मेरे बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, विशाल कोटेन विशाल कोटेन था। यू कुड लाइक विशाल कोटेन, यू कुड हेट विशाल कोटेन, बट यू कुड नेवर इग्नोर विशाल कोटेन। या दैट्स ट्रू। अब जैसे आप देखोगे निशांत और प्रतीक खुद उसके दोस्त थे, हाँ। और उसके बारे में हमेशा बात करते थे यार पीछे से, उसके बारे में क्या क्या बुरा बुरा बोलते थे, और उसके बारे में हमेशा मतलब मैंने जब भी देखा उनको, वो ये बोलते थे कि यार विशाल ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, विशाल ने बोला होगा कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जय तो उसके साथ गलत कर रहा है। हाँ, जय बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा है कि पूरी दुनिया में बोल रहा है कि विशाल कोटेन ने धोखा दिया है, धोखा दिया है, धोखा दिया है, बिना धोखे के। जय पूरी दुनिया को बोल रहा है कि उसने ऐसा किया है और ग्रज रख के घूम रहा है। विशाल कोटेन 4 बार उसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, फिर भी जय उसको नकार रहा है। तो उसके खुद के दोस्त प्रतीक और निशांत, मैंने एपिसोड में देखा है, बोल रहे हैं कि यार जय बहुत गलत कर रहा है। सबने बोला, शमिता ने भी उनको बोला था, शमिता ने भी उनको बोला था। तो फिर मैं तो दोस्त ही समझता हूँ आज भी उसको, कोई ग्रज नहीं है। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मैंने अगर ये गेम श्री कृष्ण की तरह खेला है तो जय भानुशाली ने पितामह भीष्म की तरह खेला है। पितामह भीष्म के लिए महाभारत सिद्धांतों का खेल था, सिद्धांतों का युद्ध था, श्री कृष्ण के लिए नीतियों का खेल था। फर्क इतना है कि मैं उसे समझता था और वो मुझे नहीं समझता था। वो चाहता था कि वो जो 6 देख रहा है मैं भी वही 6 देखूं, मुझे ये 9 दिखता था, और मैं उसे बोलता था कि जब मैं तेरा 6 देख सकता हूं तो तू मेरा 9 क्यों नहीं देख सकता। और मैं अपने इरादों से जो मैं बोलता हूं, जैसा मैं हूं वैसा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज घर घर में, आज घर के हर कोने में विशाल कोटेन जब नहीं था, कोने कोने में विशाल कोटेन की बात होती थी। क्या मैंने कभी बोला कि लोग मेरे बारे में कोने कोने में बिचिंग करते हैं? मैंने बोला
करो, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात तो बात होती है। बिल्कुल, आज भी मेरे बारे में बात हो रही है बॉस, विशाल कोठियन घर में नहीं है, जय भानुशाली, सिम्बा, विधि, डोनल, किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। आज देवलीना भी विशाल कोठियन के बारे में बात कर रही है, राखी सावंत भी विशाल कोठियन के बारे में बात कर रही है। विशाल कोठियन घर में नहीं है, लेकिन विशाल कोठियन फिर भी है। बिल्कुल राइट। विशाल, मैं जानना चाहूंगी, क्या शमित और आपके बीच में जो दो यू नो भाई बहन का एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, जिस तरीके से मैंने बोला कि अभी लोग बाहर बहुत बातें कर रहे हैं कि यू नो विशाल बाहर आने के बाद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं शमिता के खिलाफ और बोल रहे हैं कोई बहन के बारे में ऐसी बातें करता है क्या, आई वॉन्ट टू नो क्लियरली, कभी आपको ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारी बातें बाहर हो रही है कि शमिता को फेवर किया जाता है शो में, शमिता के को कहीं ना कहीं अपर हैंड है शो में एज कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट, वॉट इज योर टेक? बहुत सीधी सी बात है, मैंने बार बार हर इंटरव्यू में ये कहा है कि शमिता शेट्टी मेरी बहन थी, बहन है और बहन रहेगी मेरी तरफ से। उनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, पर वो भाई बहन के बीच की बात है, मैं अंदर जाऊंगा अगर वापस तो उससे पूछूंगा। मैंने एपिसोड देखे हैं, उसने मुझे एक एपिसोड में एक इसमें पूछा था कि तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, मैंने कहा कि मैंने माँ कसम खाई है एक वल्नरेबल मूवमेंट में, इसलिए तेजा को वो कसम निभानी पड़ेगी, और मैं सीधा था, इसलिए तुम मेरी सेकंड प्रायोरिटी हो। उन्होंने कहा कि तू मुझे सेकंड प्रायोरिटी कैसे रख सकता है, तू मेरी ये, मैंने बोला नहीं जो है, मैंने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, ये सब बोला था। हाँ, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी तो सिर्फ सेकंड प्रायोरिटी थी एक गेम के लिए, उनकी पूरी गेम में फर्स्ट प्रायोरिटी था राकेश, सेकंड प्रायोरिटी थी नेहा, थर्ड प्रायोरिटी राजीव, और विशाल चौथे नंबर पर था। तो उसे मैं जाकर पूछूंगा, भाई जब मैं चौथे नंबर पर था तो मैं तुझे सेकंड नंबर पर क्यों नहीं रख सकता, और मैंने तुझे जैसी थी वैसे एक्सेप्ट किया है, तू डोमिनेटिंग थी, तू तेरे को ओसीडी प्रॉब्लम था, ये था, पर मेरी जैसी बहन है यार, ये मेरी बहन है, तूने मुझे जैसा था वैसा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। एक बार कंधे पर हाथ रखकर बोल देती ना कि विशाल कोठियन तू अच्छा है बुरा है लेकिन तू मेरा भाई है। जब लोग मेरे बारे में बोल रहे थे तो मुझे अकेला छोड़ती थी, जब राजीव आया तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, राकेश आया तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, जब प्रेस ने बोला तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, उनको जवाब क्यों नहीं दिया तूने कि मेरा भाई है, जैसा है मेरा भाई है, चलेगा, मैं निभा लूंगी इसके साथ। भाई बहन का रिश्ता ऐसे होता है, मैं आज भी यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ कि शमिता शेट्टी मेरी बहन है और हमेशा रहेगी, ये होता है भाई बहन का रिश्ता। जहां तक रही बात रही फेवरिंग की, गेम के हिसाब से मुझे लगता है कि शमिता शेट्टी के लिए थोड़ा इजी है, मेरे चार दोस्त डाल दो घर के अंदर, मेरी गर्लफ्रेंड डाल दो घर के अंदर, मेरे लिए गेम इजी हो जाएगा, ये दुनिया को दिखता है, बोलने की क्या जरूरत है इसमें, मतलब ये अगर विशाल कोठे नहीं बोले तो क्या ये नहीं दिखता दुनिया को। जहां तक खाने की बात रही, कल जो हंगामा मच रहा था मैं बहुत हंस रहा था उस पे, एक फोन कॉल पे मैंने बोल दिया कि यार पता है क्या हो रहा था घर के अंदर, हमको दंड दिया जा रहा था कि तुम नो राशन खाना नहीं मिलेगा, लेकिन शमिता शेट्टी के मेडिकल कंडीशन के वजह से उसको ग्लूटेन फ्री खाना दिया जा रहा था। अब वो है, सच है घर के अंदर का, और ये भी है कि शमिता शेट्टी मुझे बुला के बोलती थी कि देख विशाल तेरे को चाहिए तो मुझसे ले ले, बिंदास ले ले, वो भाई बहन का रिश्ता है, मुझे आके बोलती थी कि तू ले ले, लेकिन मैं नहीं लेता था। क्या होता है अगर मैं उससे लेता, यहाँ मेरे सारे दोस्त भूखे दिख रहे हैं मुझे, तो देखो अगर ग्लूटेन इज अ मेडिकल कंडीशन, भूखा रखना किसी को इज मेडिकल कंडीशन तक पहुंचाना भाई, तो वो हो रहा था घर के अंदर, वो सच है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग बायस्ड है और शमिता शेट्टी को खाना दे रहे थे हमें नहीं दे रहे थे, शमिता शेट्टी का प्रॉब्लम है ग्लूटेन का, उसे खाना दे रहे थे उन लोग, हमें दंड के ऊपर भूखा या रखा जा रहा था। शमिता शेट्टी मुझे खुद बुला के बोलती थी कि अन्ना तुझे चाहिए तो ले ले, जैसे एक भाई बहन भाई को बोलती है वैसे, लेकिन उसी वक्त मैं नहीं लेता था क्योंकि मेरे बाकी दोस्त भूखे हैं, तो ये भाई बहन का रिश्ता जो था वो भी सच्चा था, मेरे दोस्त जो भूखे थे वो भी सच्चा है, तो मैं क्यों नहीं बोलूं जो है वो बोलूं, वो अगर मेरी बहन है तो मैं जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ लूं, जो सच्चाई है वो तो है। राइट, ऑल्सो तेजस्वी के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नजर आया, लेकिन आपको पता नहीं किसी ने बताया या नहीं कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब वो नाराज हो गई थी तो उन्होंने 3-4 लोगों को जाकर बोला कि यू नो आपके जो जोक्स हैं वो बहुत वल्गर हैं, वो तो टीवी पे दिखाए भी नहीं जा सकते, और यू नो आप उनको अनकम्फर्टेबल फील करवाते हो काफी बार। डिड यू हियर दैट आफ्टर कमिंग आउट, एंड वॉट इज योर रिएक्शन ऑन इट? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो भी जोक्स है वो लाइव फीड पे आते हैं, तो वो वल्गर कैसे हुए, लोग मेरे जोक्स पर हंसते हैं, लोगों को मजा आता है जब मैं रोस्ट करता था,
तो जहां तक तेजा का सवाल है, मैंने उसके बारे में एक बार गुस्से में गलत बात कर दी थी तेजा शमिता के साथ चलते चलते, और मैंने कहा था कि यार, शमिता ने मुझे पूछा था कि आजकल तेजा तेरे साथ नहीं रहती, मैंने कहा नहीं यार, शायद वो लोग ज्यादा पॉपुलर है, उनके साथ उसको लगता है कि वो ज्यादा टीवी पे दिखेगी तो उनके साथ रहती है। अब ये इतनी बड़ी बात नहीं है अगर सोचा जाए तो, लेकिन फिर भी मैंने, मेरे को लगा कि अपने दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोलना था, मैंने उसको बुलाकर इस बारे में सॉरी बोली। मैं अगर अंदर गया तो मैं तेजा को पूछना चाहूंगा कि जब मैंने सॉरी बोली थी उससे पहले तुमने मेरे बारे में एक गलत बात की थी, तू जानती है यार, मैं जानता हूँ, दोस्ती का रिश्ता है, सही है, तू मेरे लिए लड़की थी नहीं, तू मेरे लिए सिर्फ दोस्त थी, मैं अपने लड़के दोस्त को जैसे गले लगाऊंगा वैसे तेरे को लगा था, अगर मैं तुझे लड़की सोच के दोस्त गले लगा था ना तो दोस्ती शर्मिंदा हो जाती, इसलिए मैं दोस्ती को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, तेरे को जैसा चाहता वैसे गलत लगा, अगर तूने ये बात मेरे बारे में बोली तो तू क्यों मुझे आकर कभी सॉरी नहीं बोली, तूने कभी कन्फेस क्यों नहीं किया, मैं तो जैसा था वैसा था भाई। मैं 100% ये बोलना चाहूंगा उससे कि मैंने जो गलती की उसके लिए तो मैंने माफी मांगी, लेकिन तूने जो गलती की तो तूने कन्फेस भी नहीं किया। हाँ, ये बहुत पहले की बात है, मुझे किसी ने बाहर आकर बताया तो मैंने एपिसोड में देखा, पर पता नहीं उसको तभी ऐसा लगा होगा, क्योंकि तेजा ऐसी नहीं है कि वो ऐसा कोई ऐसी बात दिल में रखे, आगे जाने के बाद वो उसी बात पे खुद शर्मिंदा हुई होगी इसलिए उसने आकर मुझसे कन्फेस नहीं किया। लेकिन ये बात पूछूंगा जरूर कि अगर ये दोस्त ने गलती की उसने माफी मांगी, अगर तूने गलती की तो तूने कभी माफी क्यों नहीं मांगी, कभी क्यों नहीं बोला। जाने से पहले विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको किसमें विनर क्वालिटी नजर आता है, और क्या आपका भी मानना है कि करण और तेजा का गेम अभी बहुत कहीं ना कहीं करण का तो एकदम से खत्म ही हो गया है, बिकॉज हाँ हमें पता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, बट जो करण हमने फर्स्ट 2 वीक्स में देखा था, जो इतना दिमाग लगाता था, जो स्ट्रेटजीज बनाता था, ऑडियंस को उनमें विनर नजर आने लगा था, उसने कहीं ना कहीं बैक सीट ले लिया है। एंड जैसे कल सलमान सर ने कहा कि ही इज इन अ रिजॉर्ट ऑन अ पिकनिक मूड, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो उस मोड में चले जाते हैं बीच बीच में। मुझे विनर इस वक्त उमर रियाज दिख रहा है, मैंने ये पहले भी कहा है कि उमर रियाज का गेम बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल मेरी तरह खेलता है, मेरे साथ खेलकर मुझसे बहुत सीखा है उसने, ये उसने कहा है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये उसने खुद कहा है मुझसे कि जाने से पहले एक बार वो मुझे डेन में मिला और कहा कि भाई करण की पहली प्रेफरेंस तेजा है, तेजा की पहली प्रेफरेंस करण है, क्या हम दोनों एक दूसरे को अपनी पहली प्रेफरेंस बना सकते हैं। उमर रियाज ने देखा कि यहाँ पर सबसे दिमाग वाला स्ट्रांग प्लेयर विशाल कोटियन है, मजा आता उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खेलना, जाने से पहले उसने गले लगा और बोला भाई अपनी स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, तो अगर मैं जय के साथ जय वीरू वाली जोड़ी बनाना चाहता था तो उसी तरह उमर के साथ शायद धर्मवीर वाली जोड़ी बना लेता, लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उमर रियाज जीते, क्योंकि मेरी तरह वो भी जीरो से ऊपर आए हैं, जीरो से उन्होंने शुरुआत की, असीम रियाज की फैन फॉलोइंग तो है लेकिन उसने जो गेम में किया है वो मेरी तरह मैं अपनी झलक देखता हूँ उसमें। तेजा और करण की जहां तक बात रही है, मुझे लगता है कि प्यार के लिए गेम कमजोर हो जाए चलेगा, गेम के लिए प्यार कमजोर नहीं होना चाहिए। तो अगर करण कुंद्रा अपने प्यार को ब्लेम कर रहे हैं या लोग उनके प्यार को ब्लेम कर रहे हैं गेम के लिए, तो मैं बिल्कुल भी उसे सही नहीं मानता। इससे पहले सीजन में भी एक सिद्धार्थ शुक्ला नाम के आदमी थे जिन्होंने प्यार भी किया और गेम भी खेला। वही चाहते हैं, वही उनके फैंस एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो प्यार भी करें। मैं चाहता हूं कि करण कुंद्रा अपने प्यार को ब्लेम ना करें और गेम खेलें, क्योंकि अगर मुझे घर के अंदर प्यार भी होता ना तो मैं गेम नहीं छोड़ता, इसलिए मेरी लोगों को मुझ में झलक नजर आ रही थी कि ये गेम नहीं छोड़ता और मैं गेम नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं गेम खेलने के लिए आया हूँ, गेम 3 महीने में खत्म हो जाएगा, प्यार तो जिंदगी भर कर सकते हैं। तो करण कुंद्रा का हाँ गेम वीक हो गया है, तेजा का भी गेम वीक हो गया क्योंकि वो एक दूसरे में उलझ कर रह गए हैं, वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्यार इसको प्यार नाम देना अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा विजय, लेकिन बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल फेक नहीं, और वो दिखता है, कि वो फेक नहीं है, और कैमरा आजू बाजू है ना तो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं टू लुक नाइस, वो तो ठीक है हम एक्टर्स हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन उनका रिश्ता फेक नहीं है बिल्कुल। हाँ, उन्हें और गेम स्ट्रांग करना चाहिए, गेम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर वो गेम पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और प्यार में उलझे रहेंगे तो जल्दी वो भी बाहर हो जाएंगे। लास्ट एक आखिरी सवाल, देवोलीना ने काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए आपके लिए, वो पूरा एकदम तैयारी करके गई थी कि अंदर जाके काफी सारे सवाल जवाब होंगे, लेकिन वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई होंगी क्योंकि आप उनको वहां पर नहीं मिले, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने वो स्टेटमेंट्स देखे? हाँ, मैंने सारे स्टेटमेंट्स देखे और इस वक्त मैं कहना चाहूंगा कि देवोलीना से ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैं हूँ,
विजयलक्ष्मी, बहुत पुरानी कहावत है कि शेर जब पिंजरे में होता है उस पर चने मारना बहुत आसान होता है, मजा तो तब है जब शेर का सामना आप खुले जंगल में करके दिखा। हाँ। उसका गेम तो जीरो हो गया है, उसका वो तो अंदर जाकर डांडिया खेल रही है, जितनी भड़ास वो मुझ पर निकालना चाहती थी अब मेरी बहन पर निकाल रही है, और इस बात का मुझे दुख है कि इस वक्त शमिता शेट्टी के साथ खड़े होकर मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि शमिता शेट्टी के साथ जो भाई है उसका वो किसी काम का नहीं है, वो खाना पकाएगा, चार डांस करेगा और वो थोड़े एक हफ्ते में बाहर निकल जाएगा। इस वक्त मैं खड़ा होता तो सारे इल्जाम चाहे वो देवलीना के हो या बाकी वाइल्ड कार्ड्स के, वो मेरी तरफ होते, क्योंकि इस घर में टारगेट मैं होता, गेम तो उनको दिख रहा था बाहर से कि गेम तो एक ही आदमी खेल रहा है भाई, इसी को टारगेट करो। अब क्या हो रहा है ना, वो वाइल्ड कार्ड्स बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, वाइल्ड कार्ड्स बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, वाइल्ड कार्ड्स बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं। अगर मैं होता तो इस यहाँ से ऐसे जवाब देता था कि इनकी बोलती बंद हो जाती, तो इनकी बोलती बंद करने वाला अब कोई इंसान नहीं रहा, सिर्फ झगड़ रहे हैं, सिर्फ झगड़ रहे हैं, सिर्फ झगड़ रहे हैं, उसमें मजा नहीं हो। तो घर वाले पहले भी करते थे, किचन के मुद्दे पे झगड़ो, टॉयलेट के मुद्दे पे झगड़ो, मुद्दा बना के लड़ रहे थे, अब वाइल्ड कार्ड के मुद्दे पे झगड़ो, लेकिन इनकी बोलती बंद करने वाला अब घर में नहीं है। तो कहीं तो इन लोग भी अच्छा फील कर रहे हैं, इन लोग इतना ग्रज लेकर आए थे विशाल कोटेन के खिलाफ, लेकिन विशाल कोटेन ने तो बोल रहे हाँ अच्छा हो गया, आप सॉफ्ट टारगेट पकड़ लो, शमिता को पकड़ लो, सारे विशाल कोटेन का भड़ा उस पे निकाल दो। इस बात का दुख है कि मैं अपनी बहन के साथ नहीं हूं, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख है कि साला इनकी बोलती बंद करवाने के लिए मैं वहां नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विशाल, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप वापस से वाइल्ड कार्ड बन के जाओ। बोल बम बोल बम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।